दिल्ली के लोगों को जिस खबर का इंतजार था, आखिरकार आज वो खबर आ ही गई। जी हां, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मेयर चुनाव में बाजी मार ली है। आम आदमी पार्टी की डॉक्टर शैली ओबराय अब दिल्ली की नई महापौर होंगी। यह वही महापौर हैं जिस पर पिछले लंबे समय से लगातार विवाद चल रहा था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तनातनी देखने को मिल रही थी। मैं इस वक्त दिल्ली के उसी सिविक सेंटर में हूँ जहाँ अभी तक जो भी बैठ के मेयर चुनाव से जुड़ी हुई थी, उन बैठकों में लगातार हंगामा देखा जा रहा था दिल्ली के अंदर। हालांकि दिसंबर की शुरुआत में ही एमसीडी के इलेक्शन हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें आम आदमी पार्टी के पास बहुमत से भी ज़्यादा सीटें थी। हालांकि इस सिविक सेंटर के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार दोषारोपण करती रही, जिसकी वजह से मेयर चुनाव लगातार अटकता रहा। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का आरोप था कि दिल्ली के मेयर चुनाव में एल्डरमैन को जो वोट डालने की पावर दी जा रही है वो संविधान के खिलाफ है, और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर शैली ओबराय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जो एल्डरमैन हैं उनको मेयर चुनाव में वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो भी बैठक बुलाई जाए उस बैठक में ही मेयर तय कर लिया जाए। जयप्रकाश जी, 15 साल तक आप निगम की सत्ता में रहे और आप खुद भी मेयर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर निगम दिल्ली की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलती है उसकी पहली सीढ़ी है, तो हमेशा नगर निगम के जो गठन है वो समय पर होना चाहिए, ठीक प्रकार से होना चाहिए। मुझे लगता है इस बार का जो चुनाव था उसमें आम आदमी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो 200 250 सवा 200 सीटें जीतने वाली हैं, लेकिन जनता ने उनको जवाब दिया, उनका मत प्रतिशत भी गिरा करके 41% कर दिया और उनकी सीटें भी 134 आई, हमारी भी सीटें 105 आई। वो लोग कहते हैं कि उनका बहुमत आया है, लेकिन पहले सदन में हंगामा भी वही करते हैं, कुर्सी भी वही तोड़ते हैं, हाउस को बर्बाद भी वही करते हैं, फिर मेयर देर देने का ठीकरा भी दूसरे को फोड़ते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि नगर निगम का हाउस 5 साल चलना है, जब तक दोनों दल तालमेल से काम नहीं करेंगे आप निगम के अंदर कुछ डिलीवर नहीं कर पाओगे। लेकिन आम आदमी पार्टी से अपनी जीत बता रही है, वो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने आदेश जारी किया कि चुनाव होने चाहिए और एक ही तारीख में मेयर चुनाव जाना चाहिए, और आज लगभग वही हो भी रहा है। नहीं तो ये पहले किसने मना किया था कि मेयर को चुनाव नहीं होना चाहिए? अगर मेयर को चुनाव नहीं कराना होता तो क्यों हर बार आम सभा बुलाई जाती? मेयर को चुनाव ठीक प्रकार से हो, और ये जो लोग दंगा करते हैं, दंगा ना करें, ये खुद ही जाकर के कोर्ट गए हैं, खुद ही जाकर के चुनाव रोकते हैं, सारे काम खुद करते हैं। तो आम आदमी पार्टी को संयम बरतना पड़ेगा, व्यवहार सीखना पड़ेगा, सदन की गरिमा को समझना पड़ेगा। और अगर ये कहते हैं इनका बहुमत है तो सामने विपक्ष भी 115 लोगों का है, आपके सामने विपक्ष 8 सदस्यों वाला नहीं है, तो आप खुद कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको सदन को ठीक से चलाना है और जनता से संबंधित जुड़े हुए फैसलों को आगे लेकर चलना है तो विपक्ष के साथ बैठकर तालमेल मिलाकर ही काम करना पड़ेगा। क्या शुभकामनाएं हैं शैली ओबराय जी के लिए आपकी तरफ से? देखिए, जो मेयर चुनकर आएगा मेरी उसके साथ शुभकामनाएं, क्योंकि मेयर दिल्ली का प्रथम नागरिक होता है, उसमें चाहे शैली ओबराय जी चुने चाहे रेखा गुप्ता ही चुने, प्रथम नागरिक की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और मेयर चाहे तो बहुत काम कर सकता है क्योंकि मैंने किया है। तो अगर वो उनके पास कम समय में ज़्यादा डिलीवर कैसे कर पाएंगे ये उनकी कार्यशैली कार्य क्षमता पर निर्भर करेगा। आज काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब चौथी बार बैठक बुलाई गई तो लगभग माना जा रहा था कि आज चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी बाजी मार लेगी, क्योंकि संख्या बल आम आदमी पार्टी के साथ थी और ऊपर से एल्डरमैन की वोटिंग ना होना सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के ही पक्ष में जा रहा था। सुबह से यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और दोपहर लगभग 1:30 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू हुई तो सबसे ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी को ही मिली, जो कि पहले से ही लगभग माना जा रहा था। आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव पूरे जोर शोर से लड़ा, उसके बाद एकीकरण हुआ और उसके बाद की जो मेयर हैं वो डॉक्टर शैली ओबराय होंगी, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों से वायदे किए थे, जो 5 प्रमुख वायदे थे जिनमें दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को समाप्त करना, दिल्ली में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको समय से पक्का करना, इसके साथ साथ दिल्ली के ब्यूटिफिकेशन के लिए भी जो काम आम आदमी पार्टी लोगों के बीच लेकर गई थी, उम्मीद यही है कि अपने तमाम वायदे को अब आम आदमी पार्टी पूरा भी करेगी। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।